अल्लाह में मेरे को नींद नहीं लग रहा है, अब जल्दी जागना पड़ेगा। हम रो गुड मॉर्निंग। ओ सॉरी सॉरी, आई डिड फॉरगेट इट। जस्तो भन्छ आज चाहिँ म हिन्दीमा गनाउँछु भनेको थिएँ नि त, डङ्गै बिर्सेछु नि त। सो गाइस, हाम्रो गुड मर्निङ चाहिँ यस्तो हुँदैछ। गाइस हेलो, गुड मर्निङ एन्ड वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। सो आज म बनाने जा रही हूँ ऐसे ही रेन्डम ब्लग। सो गाइस, आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करिए ना। मैं कितनी बार बोल रही हूँ, आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज दी, क्या बोलना है आपको? प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए मेरी बहन की चैनल, और अच्छा अच्छा कंटेंट बताइए कि ताकि आप लोग के लिए वो थोड़ा सा एंटरटेन कर सके, आप लोग के लिए कुछ बना सके, और थोड़ा कंटेंट कमेंट कर दीजिएगा। देखिए गाइस, आज मैंने बनाई है दो चोटी, बस अभी गुड मॉर्निंग ही हुआ है, इधर बिस्तर पे ही हूँ मैं, अभी उठने जा रही हूँ। सो गाइस सी यू इन अ मिनट। गाइस यहाँ पे पानी लगा के साफ करना पड़ेगा, तो अभी इस पे पानी लगा के सारे रूम को साफ करना पड़ेगा। सो गाइस ऐसा हो रखा है, रूम के अंदर बाहर ऐसा हो रखा है, बहुत ज़्यादा चीज़ें बिखर गया है। एकदम रूम सफाई चल रहा है, यहाँ पे दादा सफाई कर रहा है, और यहाँ से मैं धूल निकालने का कार्यक्रम कर रही हूँ। सो गाइस मुझे एक अच्छा जगह ही नहीं मिल रहा है कहाँ पे मैं ये रख सकूँ मेरा फ़ोन। अब स्टैंड तो है ही नहीं, कहाँ पर रखें। वीकेंड पे साफ करते पर क्या करें, मंडे से ऐसा ही हो जाता है, मंडे से हालत ऐसा हो जाता है ना दादा। रही पनी हमारा कोशिश अभी भी जारी है रूम सफाई का। स्टूडेंट लोग पूछते हैं मैम आप हिंदी में क्यों नहीं करते हो, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ हिंदी में ब्लॉग बनाने की, इसलिए पहले चले पानी। मुसाफिर हूँ मैं दूर का, दीवाना हूँ मैं धूप का, क्योंकि बहुत बार मिट्टी मिट्टी है, जैसे रूम के बाहर निकलो सब मिट्टी मिट्टी। मो 20 मिनट का रिकॉर्ड हो चुका है। सो गाइस अभी ये सूखने लगा है, फ्लोर सूखने लगा है, जब सूखेगा तब हम लोग सामान सेट कर देंगे, तो अभी के लिए ऐसे ही छोड़ते हैं। थोड़ा फैन चालू करके इधर सुखाने को सब रेडी कर दिया है। अब मैं जा रही हूँ अपने कपड़े धोने को। सो मेरे फ़ोन पे बैटरी भी नहीं है, तो ये मैं फ़ोन यहीं पे चार्ज पे छोड़ूंगा, तो कपड़ा धोने के बाद आपसे मिलूंगा। सो गाइस कपड़ा वपड़ा इधर सुखा दिया है, अब जाएंगे पानी गर्म करने के लिए। मैंने बनाया है, मेरा पानी गर्म हो रहा है, तब तक मैं हलवा लगाऊंगा। तो गाइस आज का मेरा सब काम हो चुका है, तो देखिए मैं आई हूँ बाहर रेस्ट करने के लिए, अभी मेरा फ्री टाइम है। तो वेदर भी ऐसा हो रखा है, एकदम ब्लू स्काई, तो वेदर इज ऑसम टुडे। सब कुछ मेरा काम वगैरह भी हो गया, अब बाल सुखाने के लिए मैं बाहर आई हूँ।
बहुत टाइम गया है गाइज। ये तो मैंने ब्लू कलर करे थे ना गाइज, आई हैव डन इट ब्लू बट देन इट टर्न्स आउट टू बी लाइक दिस ग्रीन। ब्लू किया था पर कैसे ग्रीन हो गया पता ही नहीं। सो गाइज अभी मेरा बाल गीला ही है, सूखा तो नहीं है, ऐसा हो गया। थोड़ी देर इसको खुला ही छोड़ते हैं सूखने के लिए। देखिए गाइस पूरा ग्रीन हो गया, ब्लू किया था मैंने, शुड बी ब्लू। सो गाइस देखिए मेरा बाल ये आगे में कितना गंदा हो गया ये इसमें। तो ये कलर तो ऐसा हो गया, अभी क्या करें गाइस, बहुत ज़्यादा बोरिंग होता है ये रूम पे, क्या करें रूम पे बैठे बैठे, ऐसे भी तो नहीं हो सकता। सो मैं बाहर आई हूँ, सही मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रहा है। घर ना गए हुए भी मे बी मोस्ट प्रोबेबली 6 मंथ हो गया, नहीं नहीं ये फेब्रुअरी पे 6th मंथ होगा। सो गाइस आई एम मिसिंग माय होम, और आप लोग मेरे वीडियो को एंड तक देख लेना प्लीज़, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर देना, एंड उतना ही। बहुत ज़्यादा बोरिंग है गाइस। लगता है साथियों आज को वीडियो से इतनी नहीं हो, बीच बीच में हाई हिंदी पनी बोले मैं थोड़ी थोड़ी है ना हिंदी बोले नेपाली बोले सब के लिए हाई सुन्न में अलग होस्र कम्फर्टेबल होस्र निके कोशिश मैं होप तन पर्चो वीडियो। एंड प्लिज डोन्ट फर्गेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय, सी यू इन अनादर वीडियो।